नमस्ते आदव सत्या मैं हूं सी संकल्प कांस्टी और स्वागत करता हूं आपका यहां पे अब बारी आ गई है कि लास्ट डे रिविजन को लॉन्च कर दिया जाए एंड एज पर पास्ट प्रीवियस टेंस काफी सारा जो अपन लास्ट डे रिविजन में डिस्कशन करते हैं थैंकफुली इट कम्स इन देशन ऑल्सो अब इस बार भी मैंने काफी फोकस uh, के साथ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गेट टू यू कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा एक तो आपको लास्ट डेज पे क्या पढ़ना है तो कौन से कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या चीजें ऑन प्रायोरिटी पे पढ़नी है और हो सकता है आपका दोनों ग्रुप हो अगर दोनों ग्रुप हो तो शायद आपके पास अब तीन चार दिन हो गए जो आप कॉस्टिंग को दोगे अगेन यू जस्ट बी थ्रू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट एग्जैक्टली शुड बी आर स्टडी पैटर्न सो बेस्ड ऑन सम एनालिसिस मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किया है कौन से कैटेगरी ए बी एंड सी वाले चैप्टर्स फटाफट फड़ इसको डिस्कस करते हैं उसी के बाद मैंने नेक्स्ट दो पेजेस में डिस्कस किया है कि हर चैप्टर में से कौन सा कॉन्सेप्ट आईसीए को पूछना ही चाहिए आईसीआई yes, को पूछना ही चाहिए अगर वो पेपर सेटर सेंसिबल है एंड अगर उसने ओवरऑल सिनेरियो पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ दास्ट पेपर्स जो आया है एंड लॉजिकली अगर वो सेट करता है तो मैंने कुछ चीजें जो यहां पे लिखी है आई एम डेफिनेटली श्योर दैट एग्जामिनर विल आस्क फॉर दाम सो कौन सी है ये चीज है एंड कैसे को कैटेगरी वाइज पढ़ना है लेट्स क्विकली डिस्कस दैट सबसे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है देन इन दैट केस तीन टेस्ट आपने दे दिए होंगे अब तक एंड यू वुड नो दैट दिस टेस्ट वुड इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने न्यू केस स्टडीज भी इसमें टेस्ट सीरीज में आप लोग को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की है सो दैट एग्जाम टाइम पे अगर आपने बुक के अलावा कोई केस स्टडी देख ली सो यूल नॉट बी शॉक विल से दैट ओके नो प्रॉब्लम इसको कैसे पढ़ना है कितना टाइम देना है केस पढ़ने के लिए एंड हाउ यू हैव टू आंसर इट यू वुड नो बाय नाउ इफ नॉट देन इन दैट केस फटाफट ये जो अपने तीन टेस्ट है काफी सारे स्टूडेंट्स लिए हैं बट सब ने तीनों टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज ये तीनों कंप्लीट कर दो ऑन प्रायोरिटी मेरे हिसाब से काफी सारा इसमें से ही आना चाहिए कंटिन्यू करता हूं स्टिल चलो अब इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी पे सी अकॉर्डिंग टू मी देर आर ओनली ट्वेल्व चैप्टर सो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर को इंस्टीट्यूट मिस आउट कर देगा बिकॉज अगर आप ये पास्ट पैटर्न भी देखते हो ना देन इन दैट केस मैंने क्या किया मैंने मार्क कर दिया कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है तो ऑन एन एवरेज चैप्टर टू कवर्स सेवन मार्क्स अभी तक उसने कवर किया चैप्टर ट्री ने थर्टीन चैप्टर फोर ने फिफ्टीन चैप्टर फाइव पूछा ही नहीं है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर आई फील इंस्टीट्यूट शुड आस्क एट लीस्ट वन क्वेश्चन थैंकफुली उन्होंने आर टी पी में ट्वेंटी में एक क्वेश्चन डाला है आई वॉज एक्सपेक्टिंग के आर टी पी नवंबर ट्वेंटी में भी अगर डाल देंगे तो दो तीन क्वेश्चन सेट हो जाएंगे सो इससे कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के लिए बट आई डोंट नो वाई दे नॉट पुट इट एनी वेज चैप्टर सिक्स सेवन एट नाइन टेन आप देख रहे हो ज सब चैप्टर में से इक्वी वैलेंट वेटेज उन्होंने कवर किया है ऑलमोस्ट इक्वी वैलेंट वेटेज का है, ये देखो। ये में से इतना है। यहां पर से अप्रोक्सिमेटली ट्वेल्व मार्क्स है सो देर इज अक्वल वेटेज एज फार एज एवरेज इज कंसर्ट ये एवरेज है क्योंकि अगर आप देखोगे तो कभी कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर गया है तो चैप्टर फोर में से फोर्टी मार्क्स एक चैप्टर में से आप पूरा वन थर्ड पेपर कैसे निकाल सकते हो आईसीआई चैप्टर फोर में से ठीक है भाई है कुछ भी कर सकते हैं ये देखो चैप्टर सेवन में से फोर्टी मार्क्स चैप्टर एट में से फोर्टी मार्क्स ऑलमोस्ट चैप्टर एट प्लस थ्री ऑलमोस्ट है टू थर्ड ऑफ द पेपर इन नवंबर टू अटेम्प्ट कहने का मतलब यह है कि भाई किसी को भी है ना ऑप्शन में मत छोड़ो तुम कौन से चैप्टर का लॉटरी लगेगा ये बार वो अपने को पता नहीं है सो इट इज बेटर टू बी सेफ एंड सिक्योर बाय डूइंग ऑल द ट्वेल्व चैप्टर्स दैट वी हैव एंड देखो ऑलमोस्ट सबके रिवीजन सेशंस भी है तो बार बार उनको सुनो सो दैट यू आर क्लियर एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न आप सोचते हो कि थ्योरी एज इट इज सर लर्न नहीं हो रही है करनी भी नहीं है यूज योर ओन लॉजिक्स केस को पढ़ो समझो एंड देन यू हैव टू राइट द पेपर जी हा ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क सो फॉर मी एवरी चैप्टर इज इंपोर्टेंट एंड कोई भी चैप्टर में से करके पूछ सकता है ऑन uh, प्रायोरिटी देखो यहाँ पे पूरा एक uh, बना के दिया है आप कि कौन सी चीज को कब कैसे रिफर करनी है First, chapter three, Corona, COVID, के बाद ये का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है इन प्रैक्टिकल बिजनेस इंस्टीट्यूट विल टेस्ट यू ऑन दिस स्पेशली कॉन्सेप्ट लाइक जस्ट इन टाइम अब आप सोचो अगर कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट कर रही है ठीक है प्री कोरोना पोस्ट करोना ध्यान से सुनना प्री करोना जिसने जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट किया है और अचानक से एकदम कोरोना है मार्च ट्वेंटी सेकेंड इज वेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया विल बी शट डाउन फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी वन डेज अब अगर आपने जस्ट इन टाइम लिया होगा तो आपके पास तो अनवॉन्टेड स्टॉक होगा ही नहीं अगर आपके पास अनवांटेड स्टॉक है ही नहीं देन इन दैट केस एटलीस्ट आपका कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक बच जाएगा आपने वेयर हाउस अननेसेसरी नहीं लिया रहेगा उसका रेंटल कॉस्ट काफी सारा बच जाएगा अब इसको कंपेयर करो संबड़ी जिसने जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट नहीं किया है उसकी तो बैंड बच गई उसके लिए तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट बिकॉज उसने तो स्टॉकअप कर दिया रहेगा अपने पूरे गोडाउन को गोडाउन का रेंट जो है वो एज इट इज देना है फ so जो अब पोस्ट करो ना आई एम सो श्योर एवरी कंपनी इज गोइंग टू इंप्लीमेंट मानते हो या नहीं है क्या नहीं सो दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट है लॉट ऑफ स्कोप ऑफ टेस्टिंग यू ऑन चैप्टर नंबर थ्री बिकॉज यहां पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आईसीए आपको

टी एट मार्क्स मैं तो मे एटीन जब से मैं ये एल डी आर बना रहा हूँ तब से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि दिस चैप्टर हैज़ ह्यूज इंपॉर्टेंस डू नॉट लीव एनी थिंग सो अब ये चैप्टर अपने को बराबर से करना है इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट है जो करना ही चाहिए विदाउट डूइंग दैट डू नॉट अप्योर फॉर द एग्जाम इतना मैं अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ सो दैट इज वॉट दिस चैप्टर वेटेज इज अब मुझे खुद स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर चैप्टर नंबर एट एंड चैप्टर नंबर थ्री दोनों अप्रॉक्सिमेटली 35 मार्क्स के एवरेज मार्क्स के लिए आए थे नवंबर 2019 में तो so, सर क्यों ना इस बार उनको ऑप्शन में छोड़ दिया जाए भूल के भी ये भूल मत करना आईसीए सब चीज सुन रहा है हाँ तो डोंट डू दैट दीज चैप्टर्स हैव दैट मच इंपॉर्टेंस तो ऐसा नहीं है कि ये बार 38 मार्क्स का पूछा तो नेक्स्ट टाइम चलो भूल जाएगा इंस्टीट्यूट नो इट विल नॉट हैपन दे विल स्टिल कीप बिकॉज इस चैप्टर्स में बहुत कुछ है अभी तो इम्प्लीमेंट या बोलते हैं ना यूज करने के लिए और स्पेशली आफ्टर कोरोना द बिजनेस पॉलिसीज आर चेंजिंग बिजनेस द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो गे वहां पर यह चैप्टर थ्री चैप्टर एट का इंपॉर्टेंस याहू मैं बॉस समझ रहे हो तुम लोग अगेन फॉर दोज डन द टेस्ट आप लोगों को कनेक्ट हुआ होगा इन टर्म ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, so so था बट कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बैकफुट पर आ गया है so, last एक दो अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा बट चैप्टर नंबर नाइन इंपॉर्टेंट है एंड ये बार मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर नंबर नाइन से कनेक्टेड आ सकता है लेट्स सी टाइम विल टेल व्हाट हैपेंस बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वी विल जस्ट डिस्कस इन फ्यू मिनट्स पॉलिसी में जो कुछ दो तीन थियोरी एस्पेक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ढंग से करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना ही है डू नॉट लीव दैट इन ऑप्शन बिकॉज अप्रोक्सिमेटली 12 से फिफ्ट ट्वेल्व टू फिफ्टीन मार्क्स का आएगा अगर आप चैप्टर नंबर थ्री एट सेवन नाइन टेन ट्वेल्व सो इफ आई गो क्रोनोलॉजिकली चैप्टर थ्री चैप्टर सेवन एट नाइन टेन टेन एंड ट्वेल्व ये अगर छह चैप्टर आप बराबर से करके जाते हो अकॉर्डिंग टू मी यू आर कवरिंग मेजोरिटी ऑफ द पेपर मतलब आपको फिर बाद में फोर्टी लाने का तो टेंशन नहीं है अगर ये छह चैप्टर एकदम प्रॉपरली हो गए बीट थियोरी बीट के स्टडी बीट योर प्रैक्टिकल्स राइट नेक्स्ट कैटेगरी बी सो अब क्या करना है से फॉर एग्जाम्पल मेरा दोनों ग्रुप है ठीक है तो मेरे पास दोनों ग्रुप है तो मेरे पास टाइम कम है थोड़ा ठीक है दोनों ग्रुप वालों का बाई डिफॉल्ट एक दो चैप्टर निकल जाता है छूट जाता है ऑप्शन में ऐसा नहीं किया नहीं उन्होंने बट लास्ट मोमेंट वाले स्टडीज में वो रह जाते हैं कोई बात नहीं तो अगर वो रहवाना ही है आपको देन इन दैट केस कैटेगरी सी वाला छूट जाए तो एक बार ज्यादा टेंशन नहीं है category A कुछ भी हो करना ही है Same thing on the exam day also. Exam day में आपके पास होगा, category A वाला बॉस धूम मचाएंगे और फिर आगे की कैटेगरी पे ध्यान देंगे गिविंग ओनली ग्रुप टू बॉस इट इज डू अर डाइव फॉर यू यू हैव टू बी आपका जो प्रेपरेशन है ना वो इतना सीमलेस होना चाहिए दैट आपको ये हर चीज प्रॉपरली करनी है जिसमें कैटेगरी ए तो एट प्रायोरिटी विद द बेस्ट थिंग पॉसिबल सब कवर करना है जी हां आई होप आई एम क्लियर

चैप्टर फोर ऑलरेडी काफी बार फोर्टी मार्क्स का आ गया है ट्वेंटी वन मार्क्स का आ गया है सेवनटीन मार्क्स का आ गया है यहाँ पे टेन मार्क्स का आ गया है सो so, काफी वेटेज उन्होंने चैप्टर नंबर फोर को दे दिया है नॉट दैट आई एम से नॉट इम्पॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट बट जो इंपॉर्टेंस उसको देनी थी वो दे गई है सो इट इज मेच्योर्ड

ये चैप्टर नंबर फाइव से पूछ सकते हैं सो बी अटेंटिव सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्शन है चैप्टर नंबर फाइव में तो ध्यान रखना वो अपने को एक कनेक्शन अगर बिठाना हो तो वी कैन सी दैट देन कम्स दिस होल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज कौन से कॉन्सेप्ट आईसीआई ने अभी तक टेस्ट नहीं किए बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आज इन योर एग्जामिनेशन सो लेट्स सी दैट चैप्टर नंबर वन में पोर्टर्स फाइव फोर्सेस िस so, कॉम्पिटिटर so, अभी समझो मेरे को नया बिजनेस करना है देखो बहुत सारे बंद हो गए कोरोना के चक्कर में तो अब मैं कोई नए बिजनेस में जा रहा हूं तो कोई भी नए बिजनेस में जाता है तो आप एक कॉम्पिटिटर्स ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट है डिफरेंसिएशन एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लास्ट दो तीन बार से आर में इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट

So, that is where customer lifetime value in chapter number 2 yet to be checked. Very important. Third, just in time Kaizen Six Sigma BPR. <coughs> I am so sorry. Uh, I am struggling with uh, best of my health. But I am sure uh, things are going to be all well very soon. So, BPR, Business Process reengineering. This is one thing which now companies are going to do. बिकॉज आप कैसे अब चेंजिंग uh, एनवायरमेंट के साथ अपना अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो फ्रेंकली स्पीकिंग बट नाउ टेक्स ए इम्पॉर्टेंट सो प्लीज बीपीआर को बराबर पढ़ के जाना बिकॉज अगर वो पढ़ के नहीं जाओगे ना देट की प्रॉपर मैनर देन कम्स एप्ट फोर जो मेरे हिसाब से अपने डिक्लाइन स्टेज पर है बट देखो आईसीआई का भरोसा नहीं है तो जहां पे आपकी मेरी सोच खत्म होती है वहां से वो स्टार्ट करेगा तो वापस से फोर पे भी आ सकता <coughs> है बट एज सेड इफ देर इज सेंसिबल पेपर सेटर ही विल नॉट आस्क आरटीपी में ट्वेंटी क्वेश्चन है एक चैप्टर नंबर फाइव का प्लीज उसको कर लेना ध्यान से एक फूड बाजार रिलेटेड है डू दैट थरली चैप्टर नंबर सिक्स में आजकल एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल के ऊपर आया था तो प्लीज उसको uh, मेकिंग का क्वेश्चन आएगा, आएगा तो चैप्टर नंबर सेवन में मेरे हिसाब से ये बार आना ही चाहिए वागले की दुनिया वागले नहीं नागले सो देर इज अ पर्सन जिसने प्राइस सेंसिटिविटी को नाइन वे से बताया है आपको एन ए जी एल इज नेम प्लीज इसको तरली कर लेना ये भाई साहब एग्जाम में आने ही चाहिए अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा समझ रहे हो चलो देन इज लर्निंग विद प्राइसिंग पॉलिसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगेन फॉर मार्क्स ये भी वो लोग पूछ सकते हैं सो प्लीज एंश्योर कि ये दोनों चैप्टर नंबर सेवन से अपन लोग प्रॉपरली करके जा रहे हैं चैप्टर नंबर एट वेरी इंपॉर्टेंट ईवीए का सम नहीं आया इंस्टीट्यूट ने ऐसे तो ईवीए के सम से रिलेटेड काफी कुछ डाल दिया है क्वेश्चन so, अगेन इसके ऊपर तो, या तो थियोरिटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काफी सारी चीजें हो रही है देन बैलेंस स्कोर कार्ड है और बेंच मार्किंग है so ये भी एक बार आप देख सकते हो चैप्टर नंबर नाइन में इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों छुपा के रखा है क्वेश्चंस तो काफी अच्छे डाले हैं मॉड्यूल में बट नॉट आज द क्वेश्चन सो प्लीज आईसीए इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दीजिए आपका ध्यान केंद्रित कीजिए और पूछिए देन चैप्टर नंबर टेन में यूजली एक टिपिकल सम आता है एकदम सिंपल वाला बट सम का लेंथ बहुत बड़ा होता है या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बट इजी वेरी इजी मैनेजेबल सम उसका एनालिसिस प्रॉपरली लिखना है और वो एनालिसिस में मुझे लग रहा है ये बार इंस्टीट्यूट एबीएम के ऊपर फोकस करके कुछ ना कुछ थ्योरी घुसाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एबीएम में सो so, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जो इजी है बट उसका जो एबीएम का डिस्कशन पार्ट होगा ना वो डू दैट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू मी पार्टिसिपेटिव बजेटिंग बियॉन्ड बजेटिंग फॉर चैप्टर नंबर इलेवन इसमें फीडबैक फीड फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट है बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर नवंबर 2018 में इंस्टीट्यूट ने ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आई फील दिस टाइम इंस्टीट्यूट विल आस्कू के थ्रूट्यूट पूछेगा एंड ऑपरेशनल वायंस माना तुम्हारा फेवरेट हैेंज करो और रिकनसिलियन है मार्केट साइज मार्केट शेयर वराय के ऊपर एम टीपी आर टीपी दो भी क्वेश्चन पूछा है तो भाई अभी मेन में भी डालो कुछ उसका वेरिएशन राइट right? प्लीज डू दैट इससे रिलेटेड भी मेरे यूट्यूब वीडियो है मार्केट साइज मार्केट शेयर गो थ्रू दैट सो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सो दैट इफ इट कम्स इन दामिनेशन टेन मार्क्स इन यॉकेट रिकंसिलेशन से रिलेटेड भी मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर है आपने कभी जिंदगी में नहीं किया है ना रिकंसिलेशन तो भी आप लोग को समझ जाएगा सो प्लीज डू दैट डोंट लीव ऑल दीज थिंग्स दस बारह मार्क्स दस बारह मार्क्स एंड यू नो थिंग्स विल चेंज रास्टिकली ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के मेरे लास्ट डे रिविजन वीडियोज है डू दैट लिसन

और आई द पीडीएफ ये बिल लिख लो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक्स के ऊपर यह छोड़ के नहीं जाना है बेसिकली एग्जाम के जिस दिन वो वन एंड हाफ डे रहेगा ना उस दिन ये वाली चीज करना ही करना है इसमें से दो तीन क्वेश्चन भी एज इट इज आ गया ना लॉटरी अपनी एंड आएगा इज वॉट आई फील इफ अ पेपर सेटर इज सेंसिबल इनफ सो वो है पास्ट एनालिसिस में आप लोगों के लिए कर चुका हूं तो यू डोंट हैव टू डू दैट एंड देन कम्स दिस सो अब जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा हूं सो so,

चैप्टर टू के ऊपर मैं आ जाऊंगा देन दैट इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट इसमें से बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल आई फील मैंने वहां पर लिखा नहीं है बट येस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल इज ऑल्सो इज वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन के क्या हो सकता है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में सो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को भी अपन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सो so, ओवरऑल जो एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है वो मैंने सब यहां पे बता दिया है अब मैंने क्या किया इसको तो है इसको इधर आप लोग देखोगे तो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट में मैंने इधर क्या तीन चीज लिखी है या तो वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है या तो वो केस स्टडी रिलेटेड है या तो वो प्रैक्टिकल है ठीक है अगर वो थ्योरी है तो देखो आपके पास या तो मॉड्यूल होगा या मेरा ऑथर्ड बुक ऑप्टिमाइज्ड फोर होगा अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड फोर है तो आपको मॉड्यूल को टच करने की जरूरत नहीं है आपको ऑप्टिमाइज्ड फोर में कौन सी चीजें कहां पे क्या मिलेगी वो सब मैंने यहां पे लिख दिया है इनकेस यू आर फॉलोइंग मॉड्यूल नो प्रॉब्लम बड़ी सो so, मॉड्यूल जो लेटेस्ट 2019 के बाद वाला ही जो वो मॉड्यूल है उसमें ये सब चीज़ें कहां पे मिलेगी वो भी मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है कुछ चीजें हैं जो आरटीपी में एडिशनली नहीं आई है या पास्ट पेपर्स में वो भी मैंने यहां पे क्वेश्चन के थ्रू पूछ लिए सो यू डोंट हैव टू वरी ऑफ दैट एट ऑल सिर्फ इतना रिलीजियसली फॉलो करो मेरा जो तीन टेस्ट सीरीज है वो प्लीज रिलीजियसली दे दो एंड आई अश्योर यू कि बहुत 75 प्लस गारंटीड आएगा ही आएगा अपने को ये सब्जेक्ट में मतलब इजीली हंड्रेड मार्क्स तो अटेम्प्ट होना ही होना है उसमें तो कोई दो नहीं बट आई सेवेंटी फाइव प्लस भी अपना इजीली जाएगा एंड यू नो दिस इज वन सब्जेक्ट जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द होल ऑफ द ग्रुप टू और बोथ द ग्रुप एज वेल सो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है मुझे अगर लग रहा है दैट uh, कोई देखो ये प्राइसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन है मे टू का क्वेश्चन नंबर टू इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन प्राइसिंग पॉलिसी वो भी मैंने यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया है आपके लास्ट डे रिविजन में सो यू डोंट हैव टू है आर टीपी हो एम टी पी हो देखो एम टीपी में इंस्टीट्यूट कुछ अलग नहीं पूछता है एम टीपी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरटीपी एंड पास्ट पेपर एंड मॉड्यूल तो एम टी पी हटा दो ठीक है सो मॉड्यूल आरटीपी एंड पास्ट पेपर्स बाई डिफॉल्ट मैंने यहां पे सब मेरे डिस्कशन पार्ट में ले लिया है. आप प्लीज इसको बराबर से फॉलो करो वो जो अपना टेस्ट है वो आप लोग ने दे दिया है खत्म फिर बाद में धूम मचाएंगे एंड रिजल्ट के बाद मिठाई खाएंगे क्या बोलता है पब्लिक वैसे भी बहुत टाइम हो गया बाहर का खाए हुए कोरोना के चक्कर में सो आई एम श्योर जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक, तक, तक एवरीथिंग विल बी ऑल फाइड एंड गले मिलके सेलिब्रेट करेंगे समझे क्या चलो टाइम टू से आस्था लविस्ता गाइज गिव यूर बेस्ट द दा... बेस्ट हैज बीन गिवन बाई यू अब सिर्फ पॉजिटिविटी ड मैं बोलूं अब क्या है? अब गेम यहां पर स्टार्ट हो गया है ठीक है मेहनत वाला जो डिसिप्लिन वाला पार्ट था आपने कर दिया नाउ द होल गेम ऑफ बींग मेंटली स्टेबल स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एज बिगन टेक केयर आस्ता नबिस्ता विल बी कमिंग अप विद ऑफ न्यू थिंग्स मोर चिल योर एग्जामिनेशन स्टेट्यून टेक केयर